वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सियालकोट से नौमंतखब मेंबर पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियार की मुलाकात। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलीम बरियार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला तैर खुर्शीद भी इस मौके पर मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से अली इमरान की इस रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रुकने सूबाई असम्बली चौधरी एहसन सलीम बरियार को मामले खसूसी वजीर आला पंजाब बराए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP38 सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर एहसन सलीम बरियार और सलीम बरियार को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन में अवाम ने शफाफ और ईमानदार उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार को कामयाब कराया। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी रियासत मुखालफ बयानिया की शिकस्त है। वोट को इज्जत दो को खोखला नारा अपनी मौत आ मर चुका है। PTI ने मुखालफ जमात की नशस्त जीत कर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदार की ही सियासत चलेगी। सियालकोट के अवाम ने मनफी सियासत को दफन कर दिया है। तरीके इंसाफ की अब तक की शानदार कारकर्दगी बदौलत सियालकोट के अवाम ने सरहरू किया। PTI कल भी मकबूल तरीन जमात थी और आज भी मकबूल तरीन जमात है। एहसन सलीम बरियार जैसे नौजवान MPA PTI हुकूमत का असासा है। एहसन सलीम बरियार का पंजाब असम्बली का मेंबर मुंतखब होना खुश आइंदा है। पंजाब में तरक्की के नए और पायदार मुतय्यन कर दिया है, अब कोई रोक नहीं पाएगा। जल्द सियालकोट का दौरा करूँगा। कैमरामैन टीम के साथ अली इमरान, City 5 न्यूज़, सियालकोट।